सो फ्रेंड, आज हम करने वाले हैं कुछ इस टाइप की फ़ोटो एडिटिंग। आप भी देख सकते हो कितनी कमाल की लग रही है फ़ोटो एडिटिंग। अगर आपको भी सीखना है ये वाली एडिटिंग तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को अब तक लाइक ना किया हो तो वीडियो को ही लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको क्या करना है कि पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में इस वाले बैकग्राउंड को आपको ऐड कर लेना है। और जो भी मैं बैकग्राउंड पीएनजी यूज़ करूँगा फ्रेंड, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लेना। फिर उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ से ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर जाना है और फर्स्ट मॉडल को आपको ऐड कर लेना है। तो इस वाले मॉडल को ऐड करने के बाद फ्रेंड्स क्या करना, ऊपर की तरफ कुछ इस टाइप से सेट कर लेना है। कुछ इस टाइप से सेट करने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ पे इरेजर वाले टूल पे जाना है और इसकी हार्डनेस थोड़ा सा कम कर लेंगे और ओपेसिटी भी थोड़ा सा कम कर लेंगे, और फिर इसको नीचे से ऐसे इरेज कर लेंगे फ्रेंड्स। तो आप लोग भी ऐसे ऐसे नीचे से इरेज कर लेना ताकि लगे हमारी पिक रियलिटी में है। तो ऐसे ऐसे इरेज कर लेना। तो इरेज करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से डन कर लेंगे। डन करने के बाद फिर से ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से फायर पीएनजी को ऐड करेंगे फ्रेंड्स। तो इस वाली फायर पीएनजी को आपको ऐड कर लेना और इसको ब्लेंडिंग मोड पे जाके स्क्रीन कर देना है। तो मैं स्क्रीन कर लेता हूँ फ्रेंड्स और इसका डुप्लीकेट बना लेना है। और फ्रेंड्स इसको साइड साइड से इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ उस तरह आपको साइड साइड से इसको ऐड कर लेना है। तो फ्रेंड आपको भी कुछ इस टाइप से सेट कर लेना है साइड साइड जैसे मैंने किया है। उसके बाद फ्रेंड्स फिर से ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे जाना है और टेक्स्ट वाले पीएनजी को ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद फ्रेंड्स इसे कुछ इस टाइप से सेट कर लेंगे, इधर डन कर देंगे। डन करने के बाद फिर से ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे जाएंगे और लेंस वाली जो पीएनजी उसको ऐड करेंगे फ्रेंड यहाँ से। सो फ्रेंड पहले इसके ब्लेंडिंग मोड पे जाकर इसको स्क्रीन कर लेंगे और इसका तीन डुप्लीकेट बना लेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद पहले वाले लेंस को यहाँ पे कुछ इस टाइप से सेट कर लेना है और सेकेंड वाले को कुछ इस टाइप से यहाँ पर सेट कर लेना है फ्रेंड्स। और जो तीसरा लेंस है उसको कुछ इस टाइप से नीचे की ओर सेट कर लेना है। फिर यहाँ से डन कर देंगे फ्रेंड्स। डन करने के बाद फ्रेंड्स फिर से ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे जाएंगे और सेकंड वाले मॉडल को आपको ऐड कर लेना है यहाँ से। तो फ्रेंड मैंने सेकंड वाले मॉडल को ऐड कर लिया। तो फ्रेंड ऐड करने के बाद यहाँ से डन कर लेंगे। डन करने के बाद फिर से ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे जाना है फ्रेंड्स और इस वाली पीएनजी को फिर से हमें ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इसको स्क्रीन ब्लेंड पे स्क्रीन कर देना है और उसके बाद फिर इसके साइड साइड थोड़ा थोड़ा लगा देंगे। सो आप लोग भी ऐसे लगा लेना। सो फ्रेंड आप देख सकते हो आपको भी कुछ इस टाइप से मॉडल के हाथ पे और पैर पे लगा लेना है फ्रेंड्स। और उसके बाद फिर से ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे जाना है, इस वाली पीएनजी को ऐड कर लेना है फ्रेंड्स। और फिर उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ से ब्लेंडिंग मोड पे जाना है और उसको स्क्रीन कर देना है और इसका एक डुप्लीकेट बना लेंगे। इसको इस नीचे की तरफ कुछ इस टाइप से सेट कर लेंगे फ्रेंड्स और दूसरे वाले को कुछ इस टाइप से सेट कर लेंगे फ्रेंड्स। और जो इसके फेस पे ये फायर का जो हमारा पीएनजी चला गया है इसको इरेज कर लेंगे और फिर यहाँ से डन कर देंगे फ्रेंड्स। और फिर ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे जाना है। ऐड फ्रेंड ये वाली पीएनजी आपको ऐड कर लेनी है। ऐड करने के बाद फिर इसको क्रॉप कर लेंगे। सो आपको कुछ इस टाइप से क्रॉप कर लेना है फ्रेंड्स और फिर इसके ब्लेंडिंग मोड पे जाके इसको स्क्रीन कर देंगे और फिर इसे कुछ इस टाइप से नीचे की तरफ सेट कर लेंगे फ्रेंड। आप भी कुछ इस टाइप से सेट कर लेना और सेट करने के बाद फ्रेंड यहाँ से डन कर लेंगे। अब हमारी पिक यहाँ से कंप्लीट हो चुकी है लगभग, लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें ब्लैक टोन मारने के लिए यहाँ से क्या करेंगे कि एडजस्टमेंट में जाएंगे, टूल्स पे जाएंगे पहले, फिर एडजस्टमेंट में जाएंगे। एडजस्ट में जाने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ से इसकी ब्राइटनेस को कम कर देंगे वही करीब
50 के आसपास कर लेंगे फ्रेंड्स। और यहाँ से इरेजर वाले टूल पे जाएंगे और इसको कर लेंगे, फिर इधर से हर तरफ ब्रश मार लेंगे थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ। फ्रेंड आप भी ऐसे ऐसे मार लेना। तो फ्रेंड यहाँ से फिर डन कर लेंगे। डन करने के बाद अब इससे हम ले चलेंगे लाइट रूम एप्लीकेशन में। फोटो को मैं लाइट रूम एप्लीकेशन में लेकर आ गया हूँ। अब क्या करना है, आपको यहाँ से लाइट वाले ऑप्शन पे जाना है और उसके बाद एक्सपोजर को हल्का सा इंक्रीज करेंगे फ्रेंड्स। तो आप कुछ 40 के आसपास इंक्रीज कर लेना और कॉन्ट्रास्ट इसको भी इंक्रीज कर लेंगे 40 के आसपास कर लेंगे 40 या 50 के आसपास। और उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है, आपको हाईलाइट को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। शैडो को भी फ्रेंड आपको इंक्रीज करना है, शैडो को डिक्रीज कर लेना फ्रेंड्स 40 के आसपास। उसके बाद क्या करें फ्रेंड्स, वाइट को जो है आपको इंक्रीज कर लेना है 50 के आसपास और ब्लैक को आपको डिक्रीज करना है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे कि यहाँ से जाएंगे कलर वाले ऑप्शन पे और यहाँ से फ्रेंड्स क्या करना है, आपको टेम्परेचर को हल्का सा इंक्रीज कर लेना है। और ट्रेंड वाला जो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा उसको डिक्रीज कर लेंगे फ्रेंड्स 15 के आसपास कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, वाई वे आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको इसको इंक्रीज करना है 20 के आसपास। अब उसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, सैचुरेशन को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। तो यहाँ से मिक्स वाले टूल पर जाना है और इस येलो वाले कलर को सिलेक्ट करना है और इसकी सैचुरेशन थोड़ा सा कम कर लेंगे फ्रेंड्स और लूमिनस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अब देख सकते हो इतना कर लेना आप भी। और ये जो आपको रेड वाला ऑप्शन दिख रहा होगा इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे सैचुरेशन को और लूमिनस को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे फ्रेंड्स। और यहाँ से डन कर लेंगे। और डन करने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है, आपको यहाँ से जाना है इफेक्ट वाले ऑप्शन में और यहाँ से टेक्स्चर को हल्का सा फ्रेंड्स क्या करना है, इंक्रीज कर लेना है। उसके बाद क्लियरिटी को भी इंक्रीज करना है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, और डीएच को थोड़ा सा कम करना है फ्रेंड्स। डीएच को हल्का सा इंक्रीज कर लेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद विगनेट को क्या करना है कि आपको डिक्रीज करना है, वो भी 20 के आसपास। फिर डिटेल वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से शॉर्ट पेनिंग जो ऑप्शन दिख रहा है उसको हल्का सा इंक्रीज कर लेंगे फ्रेंड्स। और फिर उसके बाद क्या करना है कि नॉइस रिडक्शन को जाना है, थोड़ा सा इंक्रीज करना है, कलर्स नॉइस रिडक्शन को बढ़ाना है थोड़ा सा। और आप देख सकते हैं यहाँ से हमारे पिक डन हो चुके हैं फ्रेंड्स। तो पहले कुछ इस तरीके से थे और आप देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है हमारी फ़ोटो। सो फ्रेंड्स अगर आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना